अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दोबारा स्टडी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैंने बनाई है मैक्रोनीज, वो जो हम लोगों ने खरीदी थी रमज़ान से पहले, और रमज़ान में सिर्फ एक दो बार ही बनी है तो मैंने आज बनाई थी। मैंने सोचा आप लोगों से छोटी रेसिपी शेयर कर दीजिए। और ये जो आपने केक की वीडियो देखी है, ये मेरे हस्बैंड को मिला था उनके ऑफिस से ईद से पहले, तो ये मेरी बेटी ने केक काटा था। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बस हमने क्या करना है, प्याज ऑयल डालना है। ऑयल के अंदर हमने प्याज डाल देने, प्याज का हल्का सा कलर आ जाए। इसमें लहसुन अदरक डालना है, छोटी छोटी बोटियों के चिकन के पीस कर लेने हैं वो डालने हैं, और ये जो मैक्रोनी का पैकेट है मसाले का ये डाल देना है हमने इसमें। इसके अलावा हमने अलग से इसमें ऐड करना है लाल मिर्च और नमक। एक चम्मच मैंने नमक डाला था, एक चम्मच थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्पाइसेस होते हैं इसके पैकेट में, इस वजह से। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैक्रोनी को उबाल कर सिंपल मैंने इसमें मिक्स कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये देख सकते हो आपको तैयार है मैक्रोनी बन के। अब इसके अलावा मैंने ये एक साशी मंगवाया था ब्लीच क्रीम का, तो इसमें ऐसा था कि मतलब ये बोल रहे हैं कि तब इसमें साफ से लिखा हुआ है, मैंने जिससे बाय किया था वो भी बोल रही थी कि जो हैंड्स और फीट है बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ब्लीच क्रीम है ये, वाइट ब्लीच क्रीम हैंड्स एंड फीट के लिए, लेकिन सिर्फ। तो मैंने इसको करके देखा अप्लाई, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसा रिजल्ट है। तो मैं इसको अप्लाई करके देखने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दो, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। बहुत जल्दी मैंने अनाउंस कर दूँगी एक दो दिन में इंशाल्लाह, तो आप लोग परेशान नहीं हुए, और जिन लोगों ने मेहनत करी है वो ही जीतेंगे ज़रूर। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूँगी विनर्स। तो ये ब्लीच क्रीम वैसे मैंने तो ईद से पहले मंगवाई थी, लेकिन ईद पे आप लोगों को पता है मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और फिर मौका ही नहीं मिला बिल्कुल भी करने का, तो अब मुझे टाइम ना मैं से चलो आप कर देती हूँ। मैंने निकाल ली है ब्लीच क्रीम, देखिए जो सबसे येलो वाला है ना ये क्रीम है। इसके अलावा ये है वाइटनिंग सीरम, ये जो वाइट कलर का है, और इसके अलावा ये जो पाउडर है वो ब्लीच पाउडर है। तो देखिए मेरे पैर जो है सिर्फ जगह जगह हल्के हल्के ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स हैं, तो वो मुझे लगा था कि ये भी साफ़ हो जाएंगे, सिर्फ काफ़ी हद तक साफ नहीं हुआ जैसे। अब मैं अपने हाथ पे करके देखती हूँ, आप सब देख सकते हो कि इस तरह ये है मेरे हाथ में रंग, मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ। कभी भी अपनी वीडियोस पे एडिट करते हूँ मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, बस डायरेक्ट ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने पैर धोने हैं, तो बस हल्के हल्के अभी भी निशान दिख रहे होंगे आप लोगों को। इसके अलावा हाथ देख सकते हो, मुझे हाथों में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क लगा पैरों की जगह, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को फ़र्क पता चल रहा है इससे या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, और फ्रेंड फैमिली जल्दी से शेयर कर दो, इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।